नमस्कार। आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं सर्वव्यापी है। इससे महिला, युवा, व्यापारी, गरीब, किसान सहित प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलेगा तथा एक उन्नत एवं आत्मनिर्भर भारत की हमारी परिकल्पना साकार होगी। बिना गारंटी के मुद्रा लोन के लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की शहरी आवास जरूरतों को पूरा किया जाना है। महिलाओं एवं बालिकाओं को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण मिलेंगी वित्तीय सहायता। हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे ई वाउचर। ऋण राशि पर मिलेगी 30% की ब्याज की छूट। 100 शहरों में या उनके आसपास निवेश है। प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क तैयार किए जाएंगे। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस बार के बजट में सरकार ने 9 प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन 9 प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और वाणिज्य न्याय, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास के साथ साथ अगली पीढ़ी के सुधारों को शामिल किया गया है। इन नई प्राथमिकताओं एवं कार्यों को बजट में शामिल करने से आर्थिक नीति कोई एक नई दिशा और दशा मिलेगी। मैं मानती हूँ कि ये बजट प्रधानमंत्री जी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के उस विश्वास पर खरा उतरा है जिसके लिए जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार जीत का आशीर्वाद दिया था। साथ ही इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।